नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम है फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ग्राफिकल एरिया के 27.74% के ऊपर क्या है फॉरेस्ट, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की 68.16% क्या है फॉरेस्ट लैंड। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है एक्चुअल हमारे फॉरेस्ट हैं 27.74% के ऊपर हैं हमारे फॉरेस्ट, और 68.16 वो एरिया है जो सरकार ने फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है, यानी कि उस लैंड के ऊपर अब फॉरेस्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 27.47 एरिया है जो कि 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉरेस्ट हैं। लेकिन 37,948 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो सरकार ने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। अब उसके ऊपर जंगल हैं या नहीं है वो एक अलग मैटर है। तो ये आपने दोनों नंबर याद रखने हैं कि 27.74 फॉरेस्ट एरिया है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है, और जो हमारी 68.16 है वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा हिमाचल में हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक हमने 30% एरिया क्या करना है फॉरेस्ट एरिया, जो प्रेजेंटली कितना है 27.74। अगर हम कैटेगरी वाइज फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और सबसे कम हमारे पास हैं वेरी डेंस जो कि 20% हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर पाया जाता है लाहौल स्पीति में लगभग 28.9, और सबसे कम कहाँ पर पाया जाता है हमीरपुर में। तो अब इसका लॉजिक क्या है कि जो लाहौल स्पीति है उसका सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है तो वहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, और हमीरपुर का जो है सबसे कम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है तो वहाँ पर जो है सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। नेक्स्ट, अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, और उससे कम जो है चंबा में पाए जाते हैं। तो इस टेबल में से आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट की बात करें उनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के, तो जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसके 87.41% के ऊपर फॉरेस्ट हैं, और सबसे कम है ऊना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऊना के 13.77% जो एरिया के ऊपर जो है फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट, एक स्कीम के बारे में मेंशन किया गया था, अमृत सरोवर स्कीम, जिसमें सरकार ने 154 साइट्स को डिक्लेयर किया है, आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पर उन्होंने पॉन्ड्स बनाने हैं, वहाँ पर उन्होंने जो है तालाब बनाने हैं। यहाँ पर जो है एक एजेंसी के बारे में बात करी गई थी, हिम कोस्टे एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने राज्य में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बताया गया था, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्कीम, किसके लिए कि फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में अलाउ कर दिया है सिल्वी कल्चर को बढ़ाने के लिए खैर, चील और साल के पेड़ों को काटने के लिए नूरपुर में, भराड़ी में और पोंटा में। इनसे क्या होगा कि जो हमारा फॉरेस्ट ग्रोथ है वो बढ़ पाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हमने चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्लाइमेट से बचाना है। तो ये प्रोजेक्ट एक तो हिमाचल सरकार चला रही है, और हिमाचल सरकार की हेल्प कर रही है जर्मनी का एक बैंक, और ये 7 सालों के लिए चलाया जा रहा है। 2015 से चलाया गया था और ये 2015 से आने वाले 7 सालों तक चलाया जाएगा, और इसमें 85.10 लोन जो है वो ये गवर्नमेंट देगा, और बाकी का पैसा जो है हिमाचल गवर्नमेंट अरेंज करेगी। सर्वे में एक एक्ट का मेंशन किया गया था, हिमाचल नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। तो जितना भी जो प्लास्टिक के बारे में हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि प्लास्टिक के आइटम्स को बैन कर दिया गया या और कुछ कर दिया गया, तो वो किस एक्ट के तहत होता है, वो इस एक्ट के तहत होता है। हिमाचल में जो है हमारे पास 10 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर हैं। एक स्कीम चलाई है मॉडल इको विलेज स्कीम, जिसमें हम कैसे अपने लाइफस्टाइल का कम से कम इम्पैक्ट डाल सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। तो सरकार ने इसको टेस्ट करने के लिए 10 विलेजेस अभी तक सेलेक्ट करे हैं। बाद सर्वे में एक मिशन के बारे में बताया गया था, जिसका नाम है जल जीवन मिशन, जो एक यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, 2019 में शुरू हुई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमने 2024 तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं हर एक रूरल घर को। तो हिमाचल ने दिसंबर 2022 तक
17.09 लाख घरों में से 16.64 लाख घरों को फंक्शनल टैप हाउस कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि 97.37% घरों को फंक्शनल टैप प्रोवाइड कर दिए हैं, और इंडिया में ये परसेंटेज है 56.50। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो जो हमारा टोटल फार्म लैंड है उसमें से 3.35 मिलियन हेक्टेयर में पोटेंशियल है इरिगेशन का, लेकिन अभी तक हम इसमें से 2.97 मिलियन हेक्टेयर को ही इरिगेशन प्रोवाइड कर सके हैं, और ये मोस्टली जो है हम स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स के थ्रू करते हैं। हिमाचल में हमारे पास सिर्फ एक मेजर इरिगेशन स्कीम है जो है शाह नहर, कहाँ पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने कुछ आज नया सीखा होगा। धन्यवाद।